सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दूसरे अपने मोबाइल फोन्स को तो आप सभी ने बेचा होगा, और भैया उस टाइम पे तो मन में होती है ना खुशी नया वाला फोन लेने की, तो मतलब दिमाग में दोस्तों ज्यादा चीजें काम करती नहीं है। सीधा भैया गए सेलर के पास, दुकान पे या कहीं और किसी ऐप वैप पे फोन को क्या फॉर्मेट दे दिया, भैया भैया दे दो मेरे को मेरे पैसे और भैया जाके लेंगे नया फोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप इस तरीके से अपने फोन को बेच रहे हैं। आज आप इस वीडियो दोस्तों आगे देखते रहिए, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं, मतलब इस वीडियो को ना आप जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। लाइक तो खैर आप कर ही देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे में सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है ये चीज। जहां दोस्तों आज इस डिजिटल दुनिया में जो सबसे कीमती चीज हम कहते हैं वो है डेटा। अभी यार आपके फोन में दोस्तों क्या क्या डेटा स्टोर्ड है, क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप एनालाइज करें तो यार आपके बेसिक कॉन्टैक्ट से लेके उसमें मैसेजेस, आपके नोट्स, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, साथ में दोस्तों बात करते हैं तो आपके बहुत सारे अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स, व्हाट्सएप के, फिर चाहे वो बैकअप्स हो, इसके अलावा दोस्तों चाहे यहाँ पे वो आपकी फोटोज हो, वीडियोज हो, कुछ ऐसे दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेंट होगा डेफिनेटली आपके फोन में जो आप नहीं चाहें कि आगे दुनिया में जाए। और दोस्तों अगर आपकी पर्सनल फोटोज भी हैं, चाहे वो एक रैंडम सेल्फी भी है, वो किसी के हाथ क्यों लगे अनलेस आप ना चाहें उस चीज को। तो यहां पर दोस्तों होता यही है हमारी सबसे बड़ी गलती कि जब फोन की डील करनी होती है ना, मतलब डालते हैं एड ओएलएक्स पे या ऑनलाइन कहीं और फोन को बेचने के लिए, जो खरीदार आता है वो आने के बाद में फोन देखता है, भैया तब तक तो आप उस फोन को यूज ही कर रहे होते हैं, वो देखता है घुमा फिरा के हाँ फोन ठीक है भैया डील करनी है, तो आप वहीं का वहीं खड़े खड़े उसकी आंखों के सामने भैया करते हैं फोन को फॉर्मेट। फैक्ट्री डेटा रीसेट एक बहुत ही शॉर्टकट मिल जाता है हमको भैया हमारे आईफोन में, एंड्रॉइड फोन में वन क्लिक लगता है कि हाँ फोन पूरा ब्रांड न्यू बन गया जैसे निकाला डब्बे से बाहर। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप बहुत बड़ी भूल कर देते हैं अगर आप सिर्फ एक बार रीसेट करने के बाद में फोन भैया किसी को थमा दें। हमको तो लगता है कि यार क्या बात है, बढ़िया अच्छा हुआ, चलो फोन बिक गया यार, अच्छा पैसा मिल गया, नया फोन लेंगे जाके। लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या आप जानते हैं कि जितनी आसानी से आपने एक क्लिक दबा के उस फोन को फॉर्मेट किया, उतनी ही आसानी से किसी बेसिक रिकवरी सॉफ्टवेयर से एक क्लिक दबा के जो डेटा उसमें स्टोर्ड है उसको बड़े आराम से रिकवर किया जा सकता है। और यहां पर दोस्तों होता बस प्रोसेस यही है कि भैया आपके पास में मान लीजिए एंड्रॉइड फोन है, अब उसके बाद दोस्तों जैसे आप दबाते हैं फैक्ट्री डेटा रीसेट को, तो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली दोस्तों जो एड्रेस है उन फाइल्स का जो आपके फोन में है उसको डिलीट करता है। तो उसको लगता है कि हाँ मैं तो पूरा खाली हूं, मेरे पास तो जगह है, लेकिन जो दोस्तों डेटा है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है वहां पे, उसको रिकवर किया जा सकता है बड़े आराम से। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं अगर एसडी कार्ड्स वगैरह की, पेन ड्राइव्स वगैरह की, अगर आप उनको भी मान लीजिए दोस्तों कभी बेचते हैं फोन के साथ में, अक्सर जो है वो एसडी कार्ड हम बेच दिया करते हैं, या फिर मान लीजिए हार्ड ड्राइव आपने कभी बेची है मार्केट में, दोस्तों वो भी एक बार रीसेट किया तो लगता है कि हाँ फॉर्मेट हो गया सब कुछ चलो बढ़िया, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी दोस्तों बड़े आराम से रिकवरी पॉसिबल है। हालांकि आईफोन्स में चीज़ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल वहाँ पे भी नहीं है। और ऐसे में हमको ना लगता है कि यार उस टाइम पे दिमाग इतना काम ही नहीं करता, मतलब हमको लगता है कि फॉर्मेट तो कर दिया अब इसके आगे क्या। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या आप चाहेंगे, क्या आप जानते हैं कि आपके फ़ोन में जो डेटा है उसकी वैल्यू कितनी है यार? फिर चाहे दोस्तों वो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने कई बार स्टोर करी होती हैं, कई बार भैया नोट्स में जो है वो आपने अपने एटीएम कार्ड का नंबर और पासवर्ड जो है वो लिखा होता है। बहुत से लोग जो है जो शायद थोड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं याद रख पाते चीजें बहुत बार, तो वो दोस्तों चीजें ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद में आपके कॉन्टैक्ट्स में चाहे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लोग हो, चाहे वो आपकी गैलरी में कुछ फोटोज या वीडियो, दोस्तों आज के डेट में इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है वो तो आप सभी जानते ही हैं। इनफैक्ट दोस्तों यहां पर चाइना वगैरह में और कुछ जगहों पर कुछ ऐसी लोकेशन भी हैं जहां पर अगर कोई चोरी का फोन लेके आए तो उसको ज्यादा कीमत मिलती है। मतलब लेट से दोस्तों एक ब्रांड न्यू फोन कितने का है, 10,000 का है, अब उसी फोन की जो यूज्ड फोन की वैल्यू है वो कितने की है, मान लो 5,000 की है। लेकिन दोस्तों वो जो दुकानें हैं वो एक चोरी का फोन अगर लेके आए जहां पे भैया डेटा है, जहां पे कोई इंसान उसको एक्टिवली यूज कर रहा है, तो वो उसको 10,000 से भी ज्यादा पैसा दे देंगे कई बार, ब्रांड न्यू से भी ज्यादा, बिकॉज वो जानते हैं कि ब्रांड न्यू फोन सिर्फ ब्लैंक फोन होगा लेकिन एक यूज्ड फोन में वो कितना ज्यादा डेटा को रिकवर कर पाएंगे। तो यार हमारे दोस्तों यहां पे जो डेटा की वैल्यू है ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां पे ये आपके अपने फायदे के लिए है। कई बार हम ना जल्दबाजी में फैसला ले नहीं पाते, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे 500-700 रुपए हमको अच्छे मिल रहे हैं, इस फोन की डील अच्छी मिल रही है, वहां पे जाते हैं जल्दी से डील कर देते हैं भैया क्लोज, कहीं ऐसा ना हो कि बायर नाराज होकर निकल जाए या उसको फोन पसंद ना आए बाद में। तो ऐसे में ये एक सही कदम नहीं है, यहां पर चारों जब करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही एक बेसिक सा काम है, आपको सिर्फ डबल फॉर्मेट करना है। और डबल फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है, सबसे पहले भैया आपको दोस्तों फोन लीजिए, उसमें आपके जितने भी अपने अकाउंट्स को डाला हुआ है, फिर चाहे दोस्तों आपके गूगल अकाउंट्स हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन दोस्तों बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी है, सभी को आप रिमूव कीजिए।
लीजिए। उसके बाद दोस्तों फोन को आप एनक्रिप्ट कर लीजिए, आपके फोन में आपको बड़े आराम से ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद में उसको फॉर्मेट कर लीजिए। तो आपको चलो बेसिक एक काम तो हो गया, लेकिन अभी भी दोस्तों काम पूरा नहीं हुआ है। आप अपने फोन में जंक फाइल्स को डालिए, आपके कंप्यूटर दोस्तों कोई पुराने गाने पड़े होंगे, कोई मूवीज पड़ी होंगी, मतलब कुछ ऐसी रैंडम चीजें जिनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं हो, वो सब दोस्तों भरने के बाद में दोबारा एक बार फॉर्मेट कीजिए, ताकि जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाए और उसके बाद में जो रिकवरी है वो पॉसिबल ना हो। और ये अगर आप सेफ साइड सोचते हैं तो एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप फोन को देते हैं या किसी मेमोरी कार्ड को देते हैं डबल फॉर्मेट के बाद में, तो आप थोड़ा सुकून से सेफ फील करेंगे, बिकॉज आप ये जानेंगे कि भाई हाँ, जो मेरा डेटा था वो वाकई में कहीं नहीं जाने वाला है। वरना दोस्तों आज के टाइम जानते हैं इंटरनेट पर, मतलब बहुत बार जो है वो किसी लड़की का फोन मान लीजिए दोस्तों किसी ने मार्केट में बेचा, मतलब कई बार इतना हम डिजिटली अवेयर नहीं होते हैं, हमको लगता है कि हाँ मतलब बस क्या है, फोन है ना, ये लो रीसेट किया और ये ले लिया। कई बार दोस्तों जो अगर कहीं दुकान पर बेचते हैं तो उस दुकानदार पर भरोसा कर लेते हैं, मतलब वो बोलता है कि लाओ मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, वो अपने हाथ में फोन लेता है, वो दो बटन दबाता है, फॉर्मेट करता है, दिखाता है कि हाँ देखो ये फोन फॉर्मेट हो गया, आपको लगता है कि हाँ चलो डील डन, क्योंकि दिमाग में जो ख्याल चल रहा होता है वो होता है कि बस कैसे पैसे लिए जाए, कैसे मैं जाकर नया फोन लूँ, या मतलब हम इतना डिटेल में कभी सोच नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्राइम भी हो रहा है इस चीज़ को लेकर, डेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि जो आपके फ़ोन में डेटा स्टोर्ड है, जो आपने इतने लंबे समय तक उस फोन को यूज़ करने के बाद उसमें पता नहीं क्या क्या स्टोर कर लिया है, वो कहीं जाए पब्लिक या कोई इंसान उसको गलत तरीके से यूज़ करे। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, बेसिक सा मैसेज है। अगर आप कोई भी दोस्तों डिवाइस भेजते हैं, फिर चाहे वो पेन ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो, फोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, डबल फॉर्मेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद में थोड़ा सुकून रहे कि हाँ भाई जो डेटा है वो कहीं गलत हाथों में नहीं जाएगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।